पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के पिपुल पाती मोड़ पर भारतीय जनता पार्टी ने 2 घंटे का अवरोध किया। उल्लेख यह है कि 18 तारीख की शाम को शराब के नशे में धुत कुछ लोगों ने हुगली जिले के भाजपा मंडल सभापति निमाई दत्त को पीटा, साथ ही उनकी पत्नी के साथ छेड़खानी की। फिलहाल मंडल सभापति निमाई दत्त अस्पताल में भर्ती है। इस मसले को लेकर हुगली जिले के भाजपा सभापति भास्कर भट्टाचार्य ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ 2 घंटे के लिए अवरोध किया। जिले के भाजपा सभापति भास्कर ने कहा कि यह सिलसिला चलता रहेगा, प्रशासन अपनी भूमिका निभाने में असफल हो रही है। आए दिन किसी न किसी भाजपा कर्मी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिस कारण 21 तारीख को वह 5000 कार्यकर्ता लेकर जेल भरो आंदोलन पर उतरेंगे। मंडल प्रेसिडेंट है निमाई दत्त, उसके घर में कल घुस करके बीएमसी का हुलीगन्स जो है वो लोग उनको मारा है, उसको मारा है। उसका जो बीवी है उनको भी सिलवा कहानी की है, उसको भी धक्का धुक्की दिए हैं। उसका जो ग्रैंड फादर है उसको भी मारा है। कल रात को उसको यहाँ पर एडमिट किया गया है, पूरी तरह से जख्म है वो। और ये सिलसिला चलता रहता है। अभी बंगाल में क्या बोलूँगा, हुगली में जो हो रहा है, कल हम आरामबाग में भी गए थे, वहाँ पर भी हमारे कार्यकर्ता को मारा गया था। वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है, उनको देखने के लिए गया था। वहाँ पर भी ये लोग धमका रहे हैं कि अगर पुलिस में कंप्लेन करोगे तो तुम्हारा बेटी को उठा ले जाएंगे। यहाँ पर भी ये लोग उनको धमकी दे रहे हैं कि तुमको खून कर देंगे बीजेपी अगर करेंगे। तो ये ऐसा माहौल ये लोग बना के रखा है बंगाल में। ये लोग सोचते हैं कि अपना जो पावर है अभी, इस पावर से ही ये लोग कुछ भी कर सकता है। इसको याद नहीं है कि 36 साल इसके पहले सीएम सीपीएम भी ऐसा किया था। वो लोग रहा नहीं, पब्लिक उसके साथ नहीं है, इनके साथ भी पब्लिक नहीं है। और ये लोग जिस तरह से बीजेपी को रोकना चाहता है, इस तरह से बीजेपी को उंगली केला कि पश्चिम बंगाल में रोका नहीं जाए। इसमें प्रशासन की भूमिका क्या है? प्रशासन तो इसके साथ ही काम कर रहा है। आज हम प्रशासन के अभी यहाँ से हम प्रशासन के पास जा रहे हैं। जिसके अगेंस्ट में ये कंप्लेन है वो कंप्लेन हम लोग दर्ज करेंगे। और उनको अगर प्रशासन अरेस्ट नहीं करेगा तो इसके बाद जो होगा वो प्रशासन के लिए पता चल जाएगा। अब लोकल पीपल जो है, लोकल जो आदमी है, सब इसके खिलाफ हो गया, प्रशासन के खिलाफ। कॉमन अब पीपल के जो पैसा है, जो टैक्स के रुपया है, उससे इन लोगों को तनख्वाह दिया जाता है, प्रशासन बनाया जाता है। और आज कॉमन पीपल जो है वो ये प्रशासन का जो सुविधा है इनको मिल नहीं रहा है। प्रशासन इसके पास नहीं है, ये टीएमसी के पास है। टीएमसी का दलाली कर रहा है ये, इसका खत्म होना चाहिए। और इसके लिए हम लोग 21 अगस्त दो दिन बाद हम लोग पूरा जिला में जेल भरो आंदोलन में उतर रहे हैं। चिंचिनसुरा से वो शुरू होगा, एसपी के दफ्तर तक हम लोग आएंगे, क्योंकि ये लोग फॉल्स केस देकर के बीजेपी को जेल में अंदर में घुसा रहे हैं। जो लोग मार रहे हैं वो लोग बाहर में घूम रहे हैं, जो मार खा रहा है वो लोग जेल में जा रहे हैं। तो हम लोग इसीलिए पूरा 5000 कार्यकर्ता हम लोग रास्ते में उतरेंगे, क्योंकि जितना तुम जेल में भर सकते हो तुम हम लोग।